मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, कक्षा BA पार्ट सेकंड सी। आज हम सेकंड पेपर के सेकंड BA पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत आज हम वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता, विशेषतः ऐसा धन विधेयक जिसका संबंध किसी ऐसे कर या शुल्क से हो जिसमें राज्यों का हित सैनित हो, जिसका कुछ अंश राज्यों को मिलने वाला हो। भारत की आकस्मिक नीति राष्ट्रपति के अधीन है और राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अग्रदाय के रूप में शासन को उस निधि से धन दे सकता है। अब हम राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को राज्यों में आयकर के वितरण की शक्ति प्राप्त है और उन राज्यों के लिए जूट निर्यात कर से प्राप्त होने वाली धनराशि का अंश निश्चित करने का अधिकार है। इसके बाद हम संघ और राज्यों के वित्त संबंधी निश्चित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह देखे प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के समक्ष संघ का उस वर्ष के आय व्यय का विवरण पेश किया जाए। इस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित वे विधेयक जिनका संबंध जल अथवा विद्युत शक्ति पर कर लगाने या राज्य द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति से नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगाने से है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रार्थना करने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा प्रदान करें। निम्नलिखित शक्ति स्थितियों में राष्ट्रपति दंडित व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, रोक सकता है, हल्का कर सकता है, कम कर सकता है या दूसरे दंड में परिवर्तित कर सकता है। उन सभी बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा मिलता है, दंड ऐसे अपराधों के लिए मिला हो जो उन बातों को संबंध कानूनों का उल्लंघन करते हैं जो संघ की कार्यकारिणी शक्ति के अंतर्गत आते हैं, उन सभी बातों में जहाँ अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया है, इस प्रकार राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी स्थगित कर सकता है, क्षमा कर सकता है या आजीवन कारावास में परिणित कर सकता है। अब हम राष्ट्रपति की विविध शक्तियों का अध्ययन करेंगे। विविध शक्तियों के तहत सैनिक शक्ति, राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। नंबर 2, वह अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग कर संसद द्वारा निश्चित कानून के अनुसार करता है। नंबर 3, वह सेनाध्यक्षों और फील्ड मार्शल की नियुक्ति करता है। कूटनीतिक शक्तियों, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ क्या है इसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष की हैसियत से भारत के राजदूतों और प्रतिनिधियों में वो अपना प्रत्यय पत्र देकर बाहर के देशों में भेजता है। भारत में आए विदेशी राजदूतों और प्रतिनिधियों के प्रत्यय पत्र को स्वीकार करता है। उसे दूसरे देशों से संधि या समझौता करने का भी अधिकार है, परंतु उसकी स्वीकृति संसद द्वारा होनी चाहिए। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन संघ के समस्त सशस्त्र बलों के अधिकारों को। अब हम राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। आपातकालीन शक्तियों के तहत हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और द्वितीय आपातकाल 360। 352 देश का संपूर्ण या कुछ भाग युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा इस घोषणा को लागू होने
रहने के समय में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता स्थगित हो जाती है, किंतु 44वें संशोधन के बाद सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसके स्थगित न होने का प्रावधान रखा गया है। नंबर 2, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त अधिकारों की रक्षा के लिए भी नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। नंबर 3, संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है अनुच्छेद 250 के तहत। नंबर 4, संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति मिल जाती है कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दें कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग किस प्रकार करें। नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा यह निर्देश दे सकता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संघ और राज्यों के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई भी बंद चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित रहेंगे, परंतु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। एवं राष्ट्रपति शासन 306 अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन घोषणा, जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाए किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। नंबर 1, इसमें के तहत ये प्रभाव पड़ते हैं, राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का उपयोग केंद्रीय संसद करेगी, संसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है या उसको अधिकार दे सकती है कि वह यह शक्ति किसी और अधिकारी को प्रदान करे। राष्ट्रपति किसी भी राज्य अधिकारी को कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। नंबर 3, राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। नंबर 4, लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो तो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। नंबर 5, राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत देश का संपूर्ण या कुछ भाग में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भारत या कि उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा पैदा हो गया है। इसके तहत निम्न प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, आपात की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से किसी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। नंबर 2, संघ या राज्यों की सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में उनके जिनमें उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे आवश्यक कमी की जा सकती है। नंबर 3, राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वह राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है।